क्या मोदी जी के मधुर संबंधों के चलते उद्योगपति कानून को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं? इतने सारे उल्लंघनों के बावजूद भी पेटीएम पेमेंट बैंक को इतनी लंबी ढील क्यों दी गई? 2017 से ही अनियमितताएं शुरू हो गई थी, 7 साल तक इतनी लंबी ढील क्यों दी गई? मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आक्षेप लगे हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसके बारे में क्या कर रहा है, ईडी कौन सी नींद सो रहा है पेटीएम को लेकर, ये जरूर पढ़ना चाहिए। पेटीएम ने बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और पीएम केयर्स फंड को कितना चंदा दिया और क्या उस चंदे की बदौलत वो आज तक बचा रहा? यहाँ पर दो चीजों की बात करनी जरूरी है, क्योंकि पेटीएम पर पहले भी अपने डेटा को भारतीय जनता पार्टी के साथ साझा करने का गंभीर आरोप लग चुका है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के बीच और पेटीएम के बीच होने वाले डेटा ट्रांजैक्शन पर भी गहन चिंता जताई है, और यह भी सामने आता है कि इस चिंता के बावजूद ना शीर्ष अधिकारियों का तबादला हुआ, ना उनके खिलाफ कोई कदम उठाया गया, और कंपनी ने बिजनेस बनाने के जुनून में लगातार नियमों का उल्लंघन किया और हर तरह के कानून को ताक पे रखा। ये वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री अपनी चुनावी रैली में जिक्र करते हैं, तमाम सेल्फी खिंचाते हैं। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री की तस्वीर को अगर आप किसी अखबार में इस्तेमाल करते हैं विज्ञापन के लिए तो आपको पीएमओ का की संस्तुति चाहिए होती है। तो ये बहुत करीबी है प्रधानमंत्री, बहुत चहेते हैं, बहुत लाडले हैं, और अब ये मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आक्षेपों से घिरे हुए हैं। ईडी के 95% केसेस विपक्ष के लोगों के खिलाफ है, क्या ईडी इससे संतुष्ट है? और पेटीएम का तमाम ट्रांजैक्शन में लेन देन है, 10 करोड़ से ज्यादा तो पेटीएम के उपभोक्ता है, क्या यह डेटा भारतीय जनता पार्टी के साथ शेयर हो रहा है? सरकार की दी हुई जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023 में करीब 137 लाख करोड़ का डिजिटल पेमेंट हुआ, जिसमें पेटीएम का अच्छा खासा शेयर है। थोड़ी देर से आई हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। एक बहुत अहम मुद्दे पर आपसे चर्चा करनी है, लेकिन उसके पहले कुछ तस्वीरें साझा कर लेते हैं। एक ये सेल्फी देखिए, उसके बाद एक ये दूसरी सेल्फी देखिए। फिर एक तीसरी सेल्फी देखिए, एक चौथी भी लेकर आई हूं। इन सेल्फियों को देखने के बाद आपको कुछ और दिखाऊंगी। 10 नवंबर 2016 को इस देश के तमाम अखबारों में अगर आप थोड़ा जूम इन कर पाए तो फ्रंट पेज पर, कवर पेज पर 10 नवंबर 2016 नोटबंदी के 2 दिन बाद एक बड़ा सा विज्ञापन कवर पेज पर छपा था। और आप लोग तो प्रबुद्ध मीडिया के साथ ही, आप जानते हैं कि कवर पेज कितना महंगा होता है, लेकिन ये कवर पेज का विज्ञापन छपा था जिस पर मोदी जी को मजबूत निर्णय, नोटबंदी जैसे मजबूत निर्णय को लेने के लिए साधुवाद किया गया था, पेटीएम ने छापा था। ये वही पेटीएम है जो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक पिक्चर बनी है, थोड़ी घटिया सी पिक्चर थी, कोई बात नहीं, उस पर 15% का कैशबैक देता है, 200 रुपए कैशबैक, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री उत्तराखंड की अपनी रैली में करते हैं। तो ये सारी सेल्फी में जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, तमाम वीडियो है उछल कूद करते हुए, डांस करते हुए, खुश होते हुए, ये वीडियो विजय शेखर शर्मा के हैं, जो पेटीएम के सीईओ हैं, जो पेटीएम के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। और इस तरह का साधुवाद देना, इस तरह की खुशी व्यक्त करना स्वाभाविक है, क्योंकि मोदी जी ने छप्पर फाड़ के उनको खुशियां देने का काम किया है। आप ये सोचिए कि जिस नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को अधिया दिया, जिस नोटबंदी ने हजारों लाखों एमएसएमईज बंद कर दिए, लोगों को बेरोजगार कर दिया, उस नोटबंदी को साल दर साल अपने लिए सबसे शुभ दिन मानने का काम करने वाले व्यक्ति विजय शेखर शर्मा है,
उन्होंने अपनी कंपनी का आईपीओ भी 8 नवंबर को ही किया था 2021 को। खैर, परेशान करने वाली बात यह है कि इस व्यक्ति और इसकी कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग जैसे गंभीर आक्षेप लगे हैं और गंभीर आरोप लगे हैं, और ये विपक्ष ने नहीं लगाए, ये इस देश के भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाए हैं, और उन अनियमितताओं के चलते उनके पेटीएम पेमेंट बैंक को प्रतिबंधित कर दिया गया है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ना वो टॉपअप कर सकते हैं, ना वो कुछ क्रय कर सकते हैं, ना वो जमा कर सकते हैं पैसा। 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट बैंक पूरी तरह बंद हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए, सारी कार्रवाई आरबीआई ने अपने अधिनियम 35A के तहत की है। तो ये वो व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री अपनी चुनावी रैली में जिक्र करते हैं, तमाम सेल्फी खिंचाते हैं। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री की तस्वीर को अगर आप किसी अखबार में इस्तेमाल करते हैं विज्ञापन के लिए, तो आपको पीएमओ का की संस्तुति चाहिए होती है। तो ये बहुत करीबी है प्रधानमंत्री के, बहुत चहेते हैं, बहुत लाडले हैं, और अब ये मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आक्षेपों से घिरे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये गाज एकदम से गिर गई है, क्योंकि अगर खबर देखी हो और रिपोर्ट्स जो आप ही लोग लगा रहे हैं उनके मुताबिक 2017 में लाइसेंस मिलने के एक साल के अंदर गंभीर घपले शुरू हो गए थे, और आरबीआई ने बार बार दंडित करने का भी काम किया। कभी जमाकर्ताओं पर रोक लगी, कभी जुर्माना लगा 6-6 करोड़ रुपए का, तमाम चीजें हुई। लेकिन उस दौरान भी, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री इनकी पैरवी करते रहे, इनका प्रचार प्रसार करते रहे। कुछ बातें जिन पर इनको यह सजा सुनाई गई है उसका उल्लेख कर देती हूं। खबरों के मुताबिक आरबीआई ने 35 करोड़ पेमेंट बैंक के जो वॉलेट थे उसका निरीक्षण किया, उसमें से 35 करोड़ का निरीक्षण किया, 31 करोड़ निष्क्रिय पाए गए। पैन कार्ड, एक एक पैन कार्ड हजारों नंबरों से जुड़ा पाया गया, लाखों खातों का केवाईसी नहीं हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग की संभावनाएं इसी से उजागर हुई। बैंक द्वारा लगातार झूठी अनुपालन रिपोर्ट देती जाई गई, और जो ग्रुप 197 कंपनी का नाम है, लेकिन पेटीएम की जो ग्रुप कंपनीज हैं उसमें आपस में जो घपला था उसके चलते आरबीआई ने ये बड़ा कदम उठाया। यहां पर दो चीजों की बात करनी जरूरी है, क्योंकि पेटीएम पर पहले भी अपने डेटा को भारतीय जनता पार्टी के साथ साझा करने का गंभीर आरोप लग चुका है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के बीच और पेटीएम के बीच होने वाले डेटा ट्रांजैक्शन पर भी गहन चिंता जताई है, और यह भी सामने आता है कि इस चिंता के बावजूद ना शीर्ष अधिकारियों का तबादला हुआ, ना उनके खिलाफ कोई कदम उठाया गया, और कंपनी ने बिजनेस बनाने के जुनून में लगातार नियमों का उल्लंघन किया और हर तरह के कानून को ताक पे रखा। शायद वो एक कहावत है हमारी तरफ, कहते हैं जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। मोदी जी साथ में हैं, उनके साथ सेल्फी खींच रही हैं, वो प्रचार प्रसार आपका इलेक्शन रैली में कर रहे हैं, तो डरने की क्या बात है इन लोगों को। खैर, एक और चिंता जो आरबीआई ने जताई वो पेमेंट बैंक की शेयर होल्डिंग को लेकर है। करीब 49% हिस्सेदारी पेटीएम कंपनी की थी, जिसे लोग 197 कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन 51% हिस्सेदारी इस बैंक की सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विजय शेखर शर्मा के पास थी, जिनकी सारी सेल्फी मैंने आपके सामने साझा करी है। और ये एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि इससे ये साफ होता है कि एक व्यक्ति जिस तरह का भी निर्णय चाहे वो कर सकता था। अंत में आरबीआई की कार्रवाई की एक बड़ी वजह, और ये बहुत चिंता का विषय ये भी था, कि चीनी निवेश भर भर के, चीन की कंपनी का निवेश भर भर के पेटीएम में था, पहले अलीबाबा और उसके बाद भी जो एंट ग्रुप है चाइना का, उसके पास करीब 10% साझेदारी आज भी है, और संभावनाएं हैं कि डेटा की साझेदारी उस कंपनी के साथ की गई। तो अंत में कुछ बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, कुछ बड़े गंभीर मुद्दे खड़े हो जाते हैं,
जिसके जिसको उठाना जरूरी है। क्या मोदी जी के मधुर संबंधों के चलते उद्योगपति कानून को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं? इतने सारे उल्लंघनों के बावजूद भी पेटीएम पेमेंट बैंक को इतनी लंबी ढील क्यों दी गई? 2017 से ही अनियमितताएं शुरू हो गई थी, 7 साल तक इतनी लंबी ढील क्यों दी गई? मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आक्षेप लगे हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसके बारे में क्या कर रहा है, ईडी कौन सी नींद सो रहा है पेटीएम को लेकर, यह जरूर पढ़ना चाहिए। पेटीएम ने बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और पीएम केयर्स फंड को कितना चंदा दिया और क्या उस चंदे की बदौलत वो आज तक बचा रहा है? पहले अडानी और अब ये, बार बार जो मोदी जी के लाडले हैं उनके खिलाफ एजेंसियां शिथिल क्यों पड़ जाती हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अंत में दो सवाल जरूरी हैं। ईडी के 95% केसेस विपक्ष के लोगों के खिलाफ है, क्या ईडी इससे संतुष्ट है? और पेटीएम का तमाम ट्रांजैक्शन में लेन देन है, 10 करोड़ से ज्यादा तो पेटीएम के उपभोक्ता है, क्या यह डेटा भारतीय जनता पार्टी के साथ शेयर हो रहा है? सरकार की दी हुई जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023 में करीब 137 लाख करोड़ का डिजिटल पेमेंट हुआ, जिसमें पेटीएम का अच्छा खासा शेयर है। क्या ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि यह डेटा गोपनीय है, यह डेटा सुरक्षित है या इसकी ब्रीच हुई है? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। पेटीएम का स्टॉक लगातार गिर रहा है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इससे आहत हैं, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गहन आरोप इस देश के बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाए हैं, वो किस तरह से खुला घूम रहा था और प्रधानमंत्री उसका प्रचार प्रसार और पैरवी क्यों कर रहे थे, आज ये सवाल उठना भी जरूरी है और इसका जवाब भी आना जरूरी है।